ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ राज्य के हर एक आदमी को पता है कि किस तरह से कांग्रेस और जेडीएस को लोगों ने रिजेक्ट किया है, तिरस्कार किया है। परस्पर आरोप प्रत्यारोप निम्न अपराण नहीं मुख्यमंत्री आगल निम्न अपराण नहीं मुख्यमंत्री आगल पदे पदे मातुगळु जनर कीलिगे बिद्दु ನವೀನ್ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೋ ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ನಂಬಿಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ನಡೆದಂತಹದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ ಮೇಲೆ ಜನಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಅವಕಾಶವಾದಿ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣ इलेक्शन के पहले कांग्रेस और जेडीएस ने अपने ईच अदर को बहुत क्रिटिसाइज किया था, ये सब जगह में रिपोर्ट हुआ था, लेकिन इलेक्शन के बाद दोनों ने एक साथ आने का षड्यंत्र रचाया है। राज्यपाल कर दो सरकार नडसबेकुन्नो आमंत्रण कोड्तारे, अदे रीति ननगू राज्यपाल आमंत्रण कोट्टरु। इलेक्शन के बाद जब हमने गवर्नर को अप्रोच किया तब गवर्नर ने हमें गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए इनवाइट किया। ये नाड़ी रैत कृषि कार्मिक कुड़ियो नीर समस्ये नीरावरी योजना अनुकूल इंतु बेद बेगे वैज्ञानिक बेले तुम्हु इलाल परणाम सुमार सविदूर ईवे रैत आत्महत्या 3,000 से ज्यादा सुसाइड किया है क्योंकि पेट में उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता और उन्हें गवर्नमेंट से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता। रैत बेगे वैज्ञानिक बेले को नेमरिया गौरव स्वाभिमान बड़ी बदकु अदी सर्वस्व त्याग अंत निर्धारमी राज्य उद्दू के प्रवास में मैंने राज्य के फार्मर्स के लिए पूरे स्टेट में ट्रैवल किया था, उनके लिए एक रिस्पेक्टेबल जीवन लाना है, उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना है, ये आश्वासन मैंने दिया था। ये नाड़ी अन्न को अन्नदाता ना रैत नेमदी गौरव स्वाभिमान बाड़ी बदकबेकागिदे। इस राज्य को जो खाना देता है, जो अन्न पैदा करता है, उसे हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस देके एक रिस्पेक्टेबल जीवन देना है। ना नीरावरी योजना पूर्ण रैतन वाले नीर को वैज्ञानिक बेले को इस नीरावरी योजना को जो हमने प्रमोट किया था उसे भी हम पूर्ण नहीं कर सकते। परिस्थिति नाड़ी ना उद्धक लिखे नोटता उसका कारण है इस परिस्थिति जहां पर इंडिपेंडेंस के इतने दिनों के बाद भी कई लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं मिल रहा है। रैत परिशिष्ट जाति परिशिष्ट वर्ग हिंदू वर्ग और जन कई फार्मर्स को क्लीन वाटर क्लीन सप्लाई भी मिल रहा है। बेसत्तिरुवंत संदर्भदल्लि चुनावणे आयितु प्रजातंत्र व्यवस्थेनल्लि यारु एष्टु सीट् गेद्रु अन्नोदु बहळ महत्तर अंत विषय अल्ल आदरे जन ई व्यवस्थे बग्गे आक्रोशगोंडिद्दन्न नावु निवेल्ल नाडिन उद्दक्के ओडाट माडिदिरुवंत संदर्भदल्लि कंडिद्देवे नोडिद्देवे हमने देखा है कि किस तरह लोगों ने इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन को तिरस्कृत किया था। याद मर्जी राजकीय ना होराटद जनर प्रीति विश्वास जनर संकल्प के स्पंदी इब शासक इबे शासक कुंतु यहां अरण्य सचिव काल अंदाजन प्रतिवेशन नम रईत आ सी एंड
ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣೀರ ಇಬ್ಬರೇ ಶಾಸಕರು ವಸಂತ ಬೇಗರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿಸ್ತ ನನ್ನ ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ಎನ್ಆರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂತ ರೈತ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಬಡವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಗಂಜಿಗೆ ದಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರ ಆ ಜಮೀನನ್ನ ಉಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ यार जीत डालिदारे बीजेपी का जो एक्सपीरियंस जहाँ पर हमने फार्मर्स के लैंड को बचाने के लिए और कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रचार किया था वो घटना हम नहीं भूल सकते। कई कटकोड़ा कुंतकोड़े राज्यदार ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ತನ್ನ ರೈತರನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಸೇವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದೆ ಸಹ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ಈ ನಾಡಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಾಳಿ ಬದುಕುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಈ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಂಸದಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸಾಲ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀರಾವರಿ ಕೋಟಿ ಆವರ್ತಿಯನ್ನು ನಿಧಿಯನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟು ರೈತ ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯತನ ವಿಧವಾ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜಾತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಹಿಂದೂ ವರ್ಗ ನಾನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜಾತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ವರ್ಗದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ मेरे साथ लगातार मेरे मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले मैं रामलाल शर्मा का ही रुख कर लेती हूँ। रामलाल जी, काफी भावुक नजर आ रही हैं येदियुरप्पा। भावुक होने का अलग ही, खैर मैं क्या बोलूँ, आप ही बताइए क्या मतलब क्या है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आप बताइए। येदियुरप्पा जी वही बात कह रहे हैं जो वास्तविकता के अंदर थी, चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी का दोहरा रूप, जिस पार्टी को बी टीम कह के बीजेपी को और चुनाव की बातें कर रहे थे कि साहब बीजेपी एक साजिश के तहत ये चुनाव लड़ा रही है, आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि उसी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने की बात की जा रही है। और येदियुरप्पा जी ने कहा कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जिस मुद्दे के आधार पर मेरी पार्टी चुनाव जीत के आई है, मैं उसके ऊपर आज भी कायम हूं। और मैं वही बात कर रहा हूं, वही बात येदियुरप्पा जी कह रहे हैं। ठीक है, विदाई भाषण तो नहीं है ये, बुरा मत मानिएगा, लग रहा है ऐसा आभास हो रहा है। अर्चना जी से भी रिएक्शन लूंगी। रामलाल जी, आवाज नहीं आ रही, कह रहे हैं विदाई भाषण तो नहीं है। नहीं नहीं, विदाई भाषण वाली बात नहीं है, येदियुरप्पा जी तो जो कुछ कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं और जो कुछ सही होगा वही काम होगा। बिल्कुल, तो हम भी कह रहे हैं कि 40 से आप 104 पहुंचे हैं, येदियुरप्पा बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए। हाँ नहीं तो उस चीज के आधार के ऊपर है कि चुनावों के अंदर जो बात कही थी, जिन मुद्दों की बात की थी, जिस यात्रा के दौरान उन्होंने जो बात कही थी और जो इनके नेता जनता को गुमराह करके जो बात कर रहे थे, आज उन्हीं के साथ मिलके और सरकार बनाने का दावा पेश करके और ये कह रहे हैं वाहवाही लूटने का काम करेंगे। और आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि 78 सीटें जीतने के बावजूद भी 37 सीटें जीतने वाली पार्टी को करेंगे तुम मुखिया बन जाओ, हम तो तुम्हारे पीछे रह जाएंगे। आखिरकार यही सोचना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बने, कर्नाटक की जनता का जो जनादेश है उसको हम स्वीकार नहीं करते। ठीक है, अर्चना जी,
देखिए भावुक व्यक्ति तभी होता है जब उसके सारे हथियार जो होते हैं या सारी स्ट्रैटेजीज जो होती है वो एक तरह से धराशायी हो जाएं। हालांकि अभी तो भविष्य के गर्भ में इनका भाषण समाप्त होगा तब पता चलेगा इस्तीफा दे रहे हैं या फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। लेकिन देखिए मेरा ये मानना है कि जब हम चुनाव के मूड में होते हैं उस समय और जब हम चुनाव जीत करके और एक सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं तब हमें प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए और उस समय ये कहना कि साहब ऐसी क्या मजबूरी है, कौन इस दायित्व चाहिए राज्य को, फिर चुनाव में जाए राज्य किसी के लिए स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और इसीलिए संविधान में प्रावधान है कि जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो, हंग असेंबली हो, तो पोस्ट पोल कोएलिशन या प्री पोल अलायंस जो भी हो वहां पर स्थिति हो उसके आधार पर सरकार गठन करने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो ऐसे में ये प्रश्न मत खड़ा करिए रामलाल जी। फिर आपसे मैं निवेदन करूंगी आपके सभी साथियों से, आप तो खुद ही ऐसे मैन्युफैक्चर करते हो मैंडेट, यहां तो हमने बिना शर्त के समर्थन दिया है और जब चुनाव के मैदान में होते हैं तो प्रधानमंत्री जी इसी उम्मीद से शायद ये कहते थे बार बार कि मैं देवेगौड़ा जी आते हैं पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में, मैं उनके लिए पोस्ट तक जाता हूं, उनकी गाड़ी का गेट खत, यानी आपको आभास था कि आपको पूरा मत प्रतिशत नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा मैंडेट नहीं मिलेगा और बहुमत नहीं होगा, तो ऐसी अवस्था में आप उनकी सहायता की दरकार रख रहे थे, उसी समय से आपको एहसास था। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने भी देवेगौड़ा जी को जब प्रधानमंत्री बने तो समर्थन दिया था, तो हमारे कोई ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ संबंध ही खराब है, हम लोगों को जो विचारधारा के अनुरूप नहीं, वो तो ये कह रहे हैं जब प्रचार किया था ना तो एक दूसरे के सामने एक दूसरे के खिलाफ किया था, कोई दुविधा नहीं है। रामलाल जी कह रहे हैं कि जब प्रचार प्रसार में आप लोग लगे हुए थे ना, देखिए तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस ये दोनों साथ आ गए, वो ये कह रहे हैं और इनकी बातें अलग थी। सॉरी, जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था, वहां पर उनको भ्रष्टाचार का चेहरा बताया और फिर वहां पे क्या किया, वहां पे जाके जनादेश के खिलाफ सरकार बना ली। ठीक है, सुन लेते हैं एक बार येदियुरप्पा की, येदियुरप्पा जी की भी बात सुन लेते हैं, जनादेश के विपरीत सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। राज्य जन ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ 113 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೌರವಿತ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸಭೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾ ಹೂ, ಈ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ, ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಸರ್ಕಾರ ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ರು। ये सोचे कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट और सेंट्रल में था तो कर्नाटक के लिए कितना बेनिफिट होगा, राज्य जनता के भरोसे को जीवन कोने उसी वर्ग। लेकिन मैं लोगों को ये भरोसा देता हूँ लोकसभा चुनाव कर्नाटक and that in the Lok Sabha election BJP will win 28 of the 28 seats for Narendra Modi in 5 varsha kala, in another 5 years madhyadalli or in between abandaga Karnataka rajyadalli mattomme there will be another election agiddu idi rajyadalli Karnataka rajyavanna madri rajyavannagi madbeku anno sankalpadinda ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗಿದೆ, ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿನಗೆ ಮತ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಂತ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜನಾದೇಶವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಮತವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೇಳೋದು ನಿಜನ, ಕೆಲವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋದು ನಿಜ,
ಕೆಲವರು ಬರುವ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಂದು ನಿಜ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಯಭೀತ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕೂಡಾಕಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಾಸಕರ ಕರ್ಮಕಂಡ ಕರ್ಮಕತೆ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 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 ಆ ಕುಟುಂಬದವ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಳದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೆಮ್ಮದಿ ಜನಪರ ದೀನ ದಲಿತರ ಪರ ರೈತ ಪರ ಈ ಹೋರಾಟ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರಲಿ ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂತೇನೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಆ ಮಾತು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆಲ್ಲ ಮಾಲೀಕರು ಮತದಾರರು, ಅವರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮ, ಅದು ತಲೆಬಾಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಷ್ಠ ವರ್ಗ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದಂತ कम्युनिटी ने जितना विश्वास और प्यार मुझे दिया है मैं वो अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकता. जना देश के प्रजातंत्र व्यवस्था के हिन्डे आगे हिन्दे विश्वास मतदान प्रस्तापवान मुंदे मुख्यमंत्री स्थान के राजीनामे को प्रजातंत्र विरोधी चीफ मिनिस्टर के पोजिशन से जनार्दन मुंदे होगी ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳೋನಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ದೂರವಾಣಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ದೂರವಾಣಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ನಾಡಿನ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಧನ್ಯವಾದ. 10 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾತೃಭೂಮಿಯಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೇರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. घंटे के सीएम और उसके बाद दिया इस्तीफा. ये देखिए आप, येदियुरप्पा मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हैं. जी हाँ, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें. 55 घंटे सीएम रहे येदियुरप्पा, उसके बाद अब इस्तीफा सौंप दिया है और कई बड़ी बातें येदियुरप्पा की तरफ से कही गई. हालांकि जब अपना भाषण दे रहे थे येदियुरप्पा तो काफी भावुक हो गए थे और पिछली बार भी जब इस्तीफा येदियुरप्पा ने दिया था तब भी येदियुरप्पा भावुक हुए थे, गला उनका भर आया था और आज फिर से विधानसभा में भावुकता भर